हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एक बार नए रिव्यू के साथ। तो आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं दी ऑल न्यू 2023 यामाहा R15 M। तो जो ये बाइक है, इसमें भर के मतलब यार इतना कुछ आता है ना इसमें कि इस सेगमेंट में शायद ही किसी और स्पोर्ट्स बाइक में आए। है अपनी बाइक, तो जो इनके ओनर हैं वो ये हैं। तो अंकित भैया, इनका नाम है अंकित यादव, पेशे से अभी ये मतलब डॉक्टर हैं, और ये है ओनर R15 M के। तो जो क्यूरीज रहती है, अपन जैसे नई बाइक लेते हैं तो जो अपने मन में क्वेश्चन रहता है, लाइक आपने जब ये बाइक ली तो आपके पास ऑप्शन था जो KTM की RC 200 है, सेम प्राइस में थी वो भी, तो आपने वो क्यों नहीं ली ये बताइए। सबसे पहले तो लुक्स आता है, लुक्स के साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं कि क्विक शिफ्टर उसमें नहीं आता, और दूसरा एवरेज वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है फिर। और लुक्स तो फिर इसके और हाँ, लुक्स अगर देखा जाए तो लुक्स तो मेरे को भी यार मतलब इस साइड से जब बाइक देखो ना, जब इधर से, तो इसके फेयरिंग्स है काफ़ी ज़्यादा बड़े कर दिए, जिसके कारण इसका लुक बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। एंड कुछ ऐसी बातें मतलब कि अभी तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई बाइक में? अभी तक तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, सब मक्खन चल रहा है। मतलब कुछ भी छोटा सा भी प्रॉब्लम नहीं, एक इशू भी कुछ भी नहीं आया, बस टाइम पे सर्विस, हर एक चीज़ मतलब अच्छा, केयरिंग पूरी रहती है, केयरिंग पूरी, कोई भी चीज़ की कुछ भी कमी नहीं, और अभी तक बाइक की तरफ से मुझे एक भी कम्प्लेन नहीं आया। ओके, तो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। भैया बता रहे हैं कि अभी तक एक प्रॉब्लम भी नहीं आई, चलो ठीक है, अच्छी बात है प्रॉब्लम नहीं आई है। अब भैया से एक सवाल है कि भैया आपने सर्विस का बोला था, तो आप ये भी बता दो हमारे व्यूअर्स को कि सर्विसिंग आपने कितनी करा चुके हैं बाइक में? अभी तो सेकंड सर्विस हो चुका है। सेकंड सर्विस हो चुका है, तो जो फर्स्ट सर्विस है उसका कॉस्ट कितना आया था ये बता दो। का मतलब वही 15-16 के समथिंग हुआ था, और सेकंड सर्विस का मेरा मतलब 12-13 का रेशियो ऐसे कुछ था। अच्छा, तो जो फर्स्ट सर्विस एकदम याद नहीं है, बट इतना मिनिमम अंडर 1700 वो सर्विस, हां 1700 अप्रोक्स समझ। तो मे बी सर्विस में मेन हुआ क्या क्या आपने, मतलब ऑयल चेंज कराया था फर्स्ट सर्विस में? ऑयल चेंज, ऑयल चैन लूपिंग, और ये टैंक मतलब टैंक क्लीनर रहता है, और कुछ बेसिक सा वही मतलब सर्विस, और कुछ ऐसा कुछ नहीं था स्पेशली कुछ अलग सा कुछ करे हम बाइक में, वो तो जनरली सर्विस होती है सबकी। तो मे बी अगर कोई लेगा तो उसको मान के चलो 1700 रुपए का फर्स्ट सर्विस पड़ेगा, और सेकंड सर्विस लेकिन आप अगर उसमें से वो चैन लूपिंग अगर हटा देते हो तो आपके 300-400 रुपए वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी वाले 200-230 रुपए या कुछ ऐसा करके चार्जेस लेते हैं चैन क्लीनिंग का और लूपिंग का अलग से। बट वो तो मैनेटरी है, वो तो कराना ही पड़ेगा, जब भी तो अपना बाइक जो है वो थोड़ा रिफाइन चलेगा, क्योंकि तो चेन से ही मेन रहता है, तो वो तो कराना पड़ेगा ही। बट अपन भी तो बीच बीच में करते हैं। हाँ, वो अपन भी करते हैं, बट जो करने वाले रहते हैं, जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो ये हो गई सर्विस की बात। फर्स्ट सर्विस पड़ी थी भाई को लगभग 1700 रुपये की, 1700 की, और जो सेकेंड सर्विस थी वो अराउंड 1500 के अंदर, और वो भी अगर आप दोनों सर्विस में अगर आप चेन लूपिंग नहीं कराते हो तो जो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मतलब चाहते हो, अगर आप खुद से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है भाई, अपना आप हटा सकते हो, वो मैंडेटरी वहाँ तो रहता है कि वो कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें इंक्लूड कर ही देते हैं कि उनके सर्विस में वो चीज़ ऐड रहेगी। तो गाइस ये तो हो गई सर्विसिंग की बात, अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको गाड़ी का। परफॉर्मेंस सब बेस्ट है, 150 के अकॉर्डिंग तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, मतलब मेरे पास इसके लिए वर्ड ही नहीं है कि मैं कुछ और रिव्यू करूँ, और 150 के अकॉर्डिंग तो मतलब सब कुछ बेस्ट ही चल रहा है। बस एक प्रॉब्लम आता है जब कोई पीछे बैठता है पिलियन में, तो थोड़ी सी लैकिंग प्रॉब्लम हल्की फुल्की फेस करना पड़ता है, क्योंकि बार बार वेट पीछे वाले का बंदे का हाथ पुल करना या कुछ भी ऐसा रहता है, थोड़ा मोड़ा इशू, बाकी जनरली तो बेस्ट है एकदम। मतलब सीधा सीधा भैया कहना ये है कि अगर आप सिंगल बाइक को सिंगल राइड कर रहे हो तो बेस्ट बाइक है, कोई भी आपको एज ए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बेस्ट ऑफ बेस्ट देने वाली 155 है। तो एक बार सीसी की बात कर लेते हैं, तो ये जो बाइक है दिस इज 150 cc, दिस बाइक कम विथ 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन, एंड कम्स विथ 6 speed ऑफ गेयर बॉक्स ट्रांसमिशन, जो इसका गेयर बॉक्स 6 speed का है। एंड इसमें आपको भर के लोडेड, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, इसमें आपको क्विक शिफ्टर, ये देखिए ये है क्विक शिफ्टर,
बाय डिफॉल्ट अगर आप बिना क्विक शिफ्टर वाली भी लेते तो उसमें भी एक मॉडिफिकेशन करा के आप क्विक शिफ्टर लगा सकते हो, एडिशनल बाद में भी ऐड कर सकते हो। एंड ये बहुत अच्छी बात है। क्विक शिफ्टर का मतलब मैं गाइस आपको बताता हूँ जिसको नहीं पता, होता क्या है बेसिकली अपन नॉर्मल बाइक्स में होता क्या है कि अपन जब गियर शिफ्ट करते हैं तो अपन को क्लच का यूज करना पड़ता है गियर को शिफ्ट करने के लिए। बाय जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, हाई स्पीड में क्या होता है कि अपन को क्लच दबा के वो गियर शिफ्ट करना पड़ता है नॉर्मल, और क्विक शिफ्टर में ऐसा रहता है कि डायरेक्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट बिना मतलब फटाफट अभी न्यूट्रल में गाड़ी तो जब चलती है तो आप बिना क्लच को छुए नॉर्मल एक्सीलेटर फुल भी रहेगा तो आप गियर शिफ्ट कर सकते हो, अप कर सकते हो। इसमें ये काफ़ी अच्छा फीचर है क्विक शिफ्टर का, ये सब सुपर बाइक्स में आता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और अच्छी है, इसमें है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि यार क्या बताऊँ, ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी रहता है जब आप लीनिंग करते हो, कॉर्नरिंग करते हो, उस जगह में गाड़ी का जो ट्रैक्शन बन रहा था टायर में वो बना रहता था। तो ये रही कुछ बातें। और भैया आपको सबसे अच्छा क्या लगा है बाइक में, आप मेरे व्यूअर्स को बता दो। सबसे अच्छा तो लुक्स लगता है। सबसे अच्छा आपको लुक्स लगता है? बहुत सारे लोग तो पूछते हैं कि भाई कौन सी बाइक है, अच्छा कि कौन सी बाइक है, क्या नाम है, बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं समझ में आता है। और दूसरी चीज़ तो परफॉर्मेंस अकेले के मामले, मतलब सेकंड मतलब पिलियन के साथ भी बेस्ट है, बट थोड़ी सी दिक्कत जाती है जब आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में हो, थोड़ा सा पुल करता है कि हाँ मतलब प्रॉब्लम लगता है, बाकी वैसे तो कोई इशू नहीं आता। ओके, अगर आप लॉन्ग ड्राइव, मैं तो मतलब इलाहाबाद से चला के लेके आया हूँ यहाँ, 405 किलोमीटर मेरा 3 से 4 दिन हुआ था बाइक लिए, तीन से चार दिन हुआ था मेरे को लिए, और मैं डायरेक्ट चला के ले गया। तो मेरे को बहुत से लोग भाई स्पोर्ट्स बाइक लेना है, पावर भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, साथ में माइलेज भी चाहिए, तो माइलेज आप बताइए मेन चीज। ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि हमें डेली रूटीन में मैक्सिमम 30 से 35 किलोमीटर का जो भी टर्नओवर रहता है कि मतलब उतना रनिंग रहती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा करती है कि मतलब मिल जाता है उतना माइलेज। फिर भी कितना माइलेज आपको मिल जाता है? अगर सिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो मतलब 32-35 तक में आराम से है। और अगर लॉन्ग रूट में आप अगर हाईवे वगैरह में हो तो 42-45 प्लस मतलब है। 45 प्लस है। मतलब बाइक तो अभी शो कर रही है कि मतलब 2 लीटर में 100 किलोमीटर, बट उतना नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 45 या 40 तक में रहता है। 45 आपकी बाइक दे रही है। जैसे देख रहा था बाइक को तो यार इसकी जो लाइट्स है ना यार, मैं क्या ही बताऊँ, एक बार लाइट ऑन करके दिखाना भैया। तो इसकी जो लाइट्स है आप देखो, मेन लाइट वो मानना हाई बीम, तो आप ये देखिए इसका लाइट सिस्टम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इधर ऊपर आपको R15M का इधर बैजिंग मिलेगा, एंड इधर पे भी आपको R15M विथ क्विक शिफ्टर का बैजिंग मिलेगा। एंड आप ये देखिए, मतलब इसको एक पॉकेट रॉकेट बोला जा सकता है इस सेगमेंट में। तो गाइस जब अपन बात करते हैं क्या क्या इन्हें मॉडिफिकेशन कराई हैं बाइक में अपने, तो भैया एक बार ही आप मेरे व्यूअर्स को बता दो कि आपने इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या करा रखे हैं। हाँ, ये आपने बबल वाइजर लगाया है इसमें, ओके, और एलईडी इंडिकेटर, हैजार्ड फ्लैशर, एक बार आप ऑन करके दिखाइए ना। बेसिक पे है एज कम्पेयर टू जो अपने रूल्स हैं। एंड ये देखो आप कितनी अच्छी लग रही है बाइक पीछे से हैजार्ड के साथ। और भैया इसमें आपने और क्या मोड करा के रखा है? टेल्ड आईडी लगवाया है। ओके, और दूसरा ये मैंने इसके ग्रैब रेल्स लगवाए हैं। ये आपने ग्रैब रेल्स लगवाए, तो ये ग्रैब रेल्स का फायदा मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो पार्ट्स है ये सेफ हो रहे हैं जब कोई बैठता है तो बैठना। और दूसरा चीज क्या रहता है सबका कि अपने इंडियन में जानती हो आपकी बैठने हाँ। से ज्यादा पकड़ के उठाने पे वो करते हाँ, मान लो अपन को गाड़ी अलग करनी तो अपन ये पकड़ के ग्रैब रेल्स उसके बाद अलग कर सकते, तो ये अच्छा मॉडिफिकेशन है। बस यही कुछ मॉडिफिकेशन करा के रखे, टेल्ड आईडी करा के रखे हैं, और नंबर प्लेट ये देखो, ये नंबर प्लेट लगी है, सब बेसिक है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर अपने उस दोस्त के साथ कीजिए जो अभी R15 लेना चाहता है, R15M, या फिर इस कैटेगरी की और भी बाइक देख सकता है। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन दिस सेगमेंट, 155 सेगमेंट में इससे तक बाइक नहीं मिल सकती। तो अपने उस दोस्त से ज़रूर ये वीडियो शेयर करना जो बाइक लेने की सोच रहा है अभी, और उसका बजट करीब 2.5 लाख के अंदर है। तो गाइस इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Invincible.